जो नया हेलमेट ले चुका है भाई, तो गाड़ी गिरने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रैच आ गया है। यहाँ पे थोड़ा सा देखो पूरा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा लग गया है और थोड़ा फेयरिंग निकल गई है, बैटरी थोड़ा नीचे को आ गई है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस देखो, अभी जो है व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है सीधा यहाँ पे ये हेलमेट की शॉप से। तो अपना भाई जो है नया हेलमेट ले चुका है भाई। ओ भाई साहब, इसका रैप भी उतार दे यार, इसका रैप उतार दे। ओ भाई सही लग रहा है। कौन सा हेलमेट है वैसे? ये स्टील बर्ड का हेलमेट ले लिया भाई, बहुत महंगा हो गया है ना। नहीं पड़ता ले। तो गाइस देखो, फाइनली हमने हेलमेट जो है ले लिया है, यहाँ पे एक नया हेलमेट ले लिया भाई ने। तो अभी जो है इसको पहन के सीधा मिलते हैं तो व्लॉग पे। तो सीधा चलते हैं राइड पे, एक अच्छी से राइड मारेंगे गाइस। बाहर खड़ी है अपने दोनों बीस्ट, NS 200 और एक SZ है। तो सीधा हम बाहर मिलते हैं राइडिंग पे, तो चलो चलते हैं अभी। सो फाइनली गाइस देखो, अभी हम हाईवे पे आ चुके हैं। यहाँ पे BS7 NS 200, वहाँ पे FZ 250 और अपनी NS 200 BS4। तो चलिए चलते हैं अभी, एक अच्छी से राइड मारते हैं खतरनाक वाली। चलो भाई, किधर जाना है? निकलते हैं सीधा यहाँ से। तो देखो यहाँ पे निकल गए ये अपना लेके, हम भी लेके निकलते हैं अभी। गाइस एक बार हाईवे चेक करो आप लोग, देखो दोनों बाइक निकल गए, BS7 भी चली गई आगे और अपने हम। एक मिनट भाई भाई, गाइस आज ब्लॉग बना रहा हूँ, कुछ बोल ही नहीं पा रहा सही से, क्यों पता नहीं। तो गाइस अभी जो है हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, पर अच्छी से राइड मारने जा रहे हैं। वो देखो सामने दोनों लोग निकल गए हैं एकदम तेजी से। ओ बम्पी रोड, गर्मी पे स्लो कर लिया और ट्रैफिक भी थोड़ा सा है गाइस हाईवे पे, तो हमको देख के चलना पड़ेगा थोड़ा सा ट्रैफिक में। मिल गई है, थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलो अभी खींचते हैं बाइक को सीधा। यहाँ पे बाइक लेके कुछ हो गया है शायद से, एक्सीडेंट हो गया भाई। ओ शिट, गंदा वाला एक्सीडेंट हो गया लगता है। छोड़ो भाई छोड़ो, चलो चलो। तो गाइस ट्रैफिक तो बहुत मिल रहा है हमें, देखते हैं आगे खाली है क्या नहीं, और ड्रैग चालू हो चुके हैं यहाँ पे। ये देखो BS7 और ये BS4 के पीछे छोड़ते हुए धीरे कर लेते हैं थोड़ा। गाइस आगे जा रही थी बहुत गंदा। 250 को हमने थोड़ा सा पीछे तो कर लिया था, थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे। रुक जा भाई रुक जा, भागे जा रहा है भागे जा रहा है। चेक की स्टॉपिंग
तो फाइनली गाइस यहाँ पे हम रुक चुके हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ तो यहाँ पे खड़ी है FZ 250, अभी अभी बहुत गंदा भाग रही थी गाइस, और यहाँ पे खड़ी है BS7 200 NS, और वहाँ पे अपनी खड़ी है BS4 पता ही आपको। और थोड़ी देर के लिए रुक गए हम यहाँ पे, और बाकी बहुत मजा आया भाई ड्रॉप ड्रॉप करके। BS7 को थोड़ा ही पीछे था, थोड़ा पीछे करने ही वाला था मैं, पर भाई ने रोक लिया थोड़ा सा। देखते हैं यहाँ पे कुछ हो पाता है या नहीं हमारे हाथ से। बाकी रोड तो बहुत अच्छी है, तो देखते हैं स्टंट वंट होता है क्या यहाँ पे। वो पाती है कि नहीं भाई से। ओए गाड़ी हीट करने पे जो है थोड़ा सा पावर लूज कर देती है। बाकी डोमिनर की हेडलाइट देखो आपको कैसे लग रही है, कमेंट करके बताना जरूर। नई नई हेडलाइट लगाई है तो देखो आप लोग। तो गाइस BS7 पे एक स्टॉपिंग मारने की ट्राई करते हैं, ठीक है? तो देखते हैं, चलो अभी। तो गाइस देखो गाड़ी गिरने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रैच आ गया है, यहाँ पे थोड़ा सा देखो पूरा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा लग गया है, और थोड़ा फेयरिंग निकल गई है, बैटरी थोड़ा नीचे को आ गई है, तो इसको हम ढकलते हैं थोड़ा सा अंदर। और यहाँ पे थोड़ा सा क्रैच आ गया है गाड़ी पे, देखो यार बहुत बुरा लगता है भाई। तो यहाँ पे थोड़ा, ये तो पहले से ही होगा शायद, है ना भाई, पहले से ही है। यहाँ पे थोड़ा सा क्रैच आ गया गाइस, यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सा। तो अभी इसका कुछ कर रहे हैं गाइस, थोड़ा बैटरी वॉश हुआ। तो कोई नहीं गाइस, गाड़ी को ज़्यादा कुछ लगा नहीं है, बाकी सब ठीक है गाइस। और भाई को भी कहीं कुछ लगा नहीं, तो भाई भी एकदम फुल्ली ठीक है। थोड़ा सा क्रैशेस वगैरह आ गए थे बाइक पे, तो अभी वो बाइक लेके चला गया, इसकी की छोड़ के चला गया, और ये अपनी BS4 और ये BS7। तो अभी उसको वापस से बुला रहे हैं, की दे दे भाई करके। आजू कहिए, देखो ये देखो, और वहाँ तो छोड़ गए, एक बार पीछे से देखो एकदम यहाँ पे, ये देखो ये देखो ये देखो, इतना मतलब थोड़ा सा क्वालिटी में कम कर दिया। बाकी USD फॉक्स तो दे दिया है, पर ये मटेरियल ऐसा क्यों दिया समझ नहीं आ रहा मुझे। बाकी USD फॉक्स देखो एकदम कैसे लग रहे हैं, ख़तरनाक। और स्टंट वंस करने का सोचा था, पर भाई का क्रैश हो गया। की ये देखो चाबी, देखो यहाँ पे भाई साहब। तो फाइनली गाइस अभी BS7 पे आ चुके हैं, देखिए इसके अंदर गियर इंडिकेटर भी मिलता है हमें। तो चलो एक अच्छी से देखते हैं, उधर साइड जाते हैं। और धूल देखो गाइस कितने हैं यहाँ पे, धूल देखो थोड़ा सा। तो चलते हैं गाइस अभी। बाकी पिकअप तो बहुत खतरनाक है इस बाइक का, क्या बताऊं मैं। ABS भी बहुत खतरनाक फुल्ली है, वर्केबल है, मतलब बहुत अच्छा काम करता है। डुअल चैनल ABS भी देखने को मिलता है, तो स्लिप वगैरह होगी इसकी कोई टेंशन ही नहीं है। तो बाकी वीडियो शूट करने जा रहे हैं हम, वीडियोस को बना लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनल गाइस देखो अभी हम आ गए अपनी NS200 BS4 पे। चलो पीछा करेंगे भाई, भाई ने बोला S1000 RR चली गई। कोई नहीं गाइस, किस्मत में नहीं था देखने का, कोई बात नहीं। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से सीधा, निकलेंगे। तो चलो गाइस, ये देखो कितना भी सो ले भाई नहीं जाएगा आगे, ये देखो। बोल रहे हैं मज्जा भाई थोड़ा स्पीड, वो देखो ट्रक के बीच में चलेगा, देखो ट्रक के बीच में चलेगा भाई वो। ओए भाई क्या कर रहे हो ये लोग। गाइस दोनों निकल गए, पर टॉप एंड मैन को बताता हूँ मैं, बहुत। तो गाइस अभी निकलते हैं, अरे गियर मेरा बहुत हाई वाला था,
फिर भी बीएस चैनल को छोड़ेंगे नहीं गाइस आज। ये देखो अचानक से निकल जाता है भाई, इसको अभी बताता हूँ मैं, अभी 250 को बताता हूँ गाइस। BS7 तो चली जाएगी इंजन के पीछे, मैं चलना भाई। धीरे क्रॉस कर रहे हैं, देखो रोड, देखो कितना धीरे क्रॉस कर रहे हैं। गाइस ये नहीं मानने वाली। फाइनली गाइस देखो अभी पूरा अच्छे से राइड मार चुके हैं, तो राइड करके तो बहुत मजा आया गाइस। बाकी व्लॉग कैसा लगा आज का बताना जरूर, और डोमिनो की हेडलाइट देखो भाई कितनी खूबसूरत लग रही है। तो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही था, तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना। और बाकी गाइस हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, तो 1000 सब्सक्राइबर भी करा देना गाइस प्लीज़। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो कुछ स्पेशल करेंगे गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और 1000 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट कर देना। तो मिलते हैं हम किसी अच्छे ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय गाइस।